हाँ तो बात कर लीजिए, आपको सैमसंग की तरफ से जल्द ही इंडियन मार्केट में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एक है सैमसंग गैलेक्सी A34 5G और सेकंड है सैमसंग गैलेक्सी A54 5G, जिसके बारे में इसकी स्पेसिफिकेशंस, इंडिया में कब लॉन्च होगा, कौन सी प्राइस पॉइंट के साथ में होगा, ये सारे लीक होकर आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग गैलेक्सी A34 5G के बारे में। तो यहाँ पे हमें 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट में एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है। और भाई यहाँ पे हमें पूरा नजर बनने वाली वाटर ड्रॉप नॉज देखने को मिलने वाली। हाँ आगे आप प्राइस सुनिएगा तो आप शौक हो जाओगे। और आगे बात करें तो यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। बात ये कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे हमें बैक में 14 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 14 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे हमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलने वाला है। बात करें तो यहाँ पे हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए बैटरी चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पे हमें 25W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। 25W भाई, सैमसंग 25W से अगवा ही नहीं, पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहा है भाई। 25W फास्ट नहीं होता, बट भाई इसमें यही मिलेगा। और अगर बात ये तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और वन UI 5.1 पर रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ए सीरीज में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें फुल फ्लैश वन UI का सपोर्ट देखने को मिलेगा, नॉक्स की सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी। बात की जाए सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लगभग सारे सेंसर्स, इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5 mm देखने को नहीं मिलेगा, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें अंडर 30,000 यानी 28,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब भाई 28,000 में, वो भी यहाँ पे पुराने जमाने वाली वाटर ड्रॉप नॉच। और अगर बात कीजिए सैमसंग गैलेक्सी A54 5G के बारे में, तो यहाँ पे हमें 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट में एक एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें 5 होल वाला नॉच देखने को मिल जाएगा। अगर बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक्सोनस का 1380 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन में से फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला है, तो लॉन्च होगा तो उस टाइम पे मैं आपको बता ही दूंगा। हालांकि बात ये कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G जितना कैपेबल इससे बताया जा रहा है। और अगर बात की कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे हमें 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, हमें 5 MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर बात ये तो यहाँ पे हमें फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और बैटरी और चार्जर लगभग सेम ही, यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी और जो फोन ये 25W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करने वाला है। और अगर बात की UI के बारे में, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स ऑन UI 5.1 एंड्रॉइड 13 पर रन करता हुआ देखने को मिलेगा, फुल फ्लैश आएगा, नॉक्स की सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली है। बात के सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे लगभग सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5 mm वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात की जाए प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग बता दी अंडर 40,000 एंड इसकी जो प्राइसिंग हमें 38,000 देखने को मिलने वाली। A34 28,000 रुपये का और A54 हमें 38,000 का देखने को मिलने वाला है। अरे बाप रे, लिटरली भाई ये फोन मुझे तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है। हालांकि जब ये फोन लॉन्च होगा तो उस टाइम भी मैं आपको वीडियो बना के डेडिकेटेड बता दूंगा। देखिए लीक्स की माने तो हमें इंडिया में 16 मार्च के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सुन एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।